अभी तक हम लोग पढ़े ऑसिलेशन, SHM, उसमें डिस्प्लेसमेंट निकाले, एक्सेलरेशन निकाले, वेलोसिटी निकाले, फेज निकाले, फेज डिफरेंस निकाले ना कि नहीं निकाले? कहला पर का मुंह बोइत हाँ तो ठीक है, चलो देखो निकाल लिए। अब जब तीनों आ गया, घर में तीन तीन को बहुएं आ गई, कौन कौन? एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, और तीनों में अब हम रिलेशन स्थापित करेंगे कि छोटकी कौन बा, मझली कौन बा, बड़की ने कहले कि बड़की माई है, मझली माई है, छोटकी माई कहती है ना, स्टैंडर्ड भाषा में कहती है आंटी चाची। हाँ तो इस तीनों का रिलेशन देखेंगे किस टर्म में। देखो फेज रिलेशन, तीनों में फेज होगा ना, इन द टाइम ऑफ टर्म ऑफ टी और टर्म ऑफ वाई निकाले थे, तो फेज में डिफरेंस होता है कि नहीं? ये SHM जब करता है तो मान लीजिए यहां था, तो हमको मन है कि यहां से शुरू करेंगे, तो याद है फाइव दिए थे है? अगर ये मैक्स यहां पे चला जाता है तो ये क्या हो जाएगा, मैक्स मैक्सिमम, और यहां पे था तो ये था क्या, ओमेगा टी, तो ये अब क्या हो? पूरा जब ओमेगा टी हुआ तो ये क्या होगा, ओमेगा टी या माइनस फाइव या प्लस फाइव, नीचे होगा तो माइनस, ऊपर होगा तो प्लस, प्लस माइनस दोनों हो सकता है, फेज डिफरेंस हो सकता है या नहीं? अब मैथ के व्यू में जाओगे तो मैथ के टर्म में तो गड़बड़ा जाएगा, गड़बड़ाएगा नहीं, वो गड़बड़ा जाएगा यानी गोबर में आ जाएगा। इसलिए कि साइन 90 माइनस थीटा और साइन 90 प्लस थीटा दोनों में अंतर दो चीज हो गया, लेकिन फिजिक्स में हमको कुछ नहीं करना है, नीचे ही नहीं तो माइनस, ऊपर गई नहीं तो डायरेक्शन हो जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव, फाइव माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी, फेज डिफरेंस हमने पहले ही आपको बता दिया था। अब वहां चलने की हमको जरूरत नहीं है, टॉपिक का हेडिंग लगाओ, जिसको इसका हिंदी लिखना है हेडिंग हिंदी लिख लो, सरल आवर्त गति करते हुए कण के विस्थापन वेग एवं त्वरण की कलाओं में संबंध, समझी? एने उन्हें मत करो, अब संबंध स्थापित करने जा रहे हैं, है ना, रोवाकनन शुरू होगा। देखिए वी नो दैट, पूनम ढिल्लो तुरंत कहेगी कि हिंदी या तुम कुछ नहीं जानती हो, है ना, वी नो दैट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM एट एनी इंस्टेंट टी, है ना? इसका हिंदी क्या हुआ, सरल आवर्त गति करते हुए कण, सरल आवर्त गति जो कर रहा है, सरल आवर्त गति, आवर्त गति का मतलब क्या हुआ, एंगुलर एंड लिनियर दोनों उसमें होगा, उसमें एक्सेलरेशन भी होगा, फोर्स भी होगा, वेलोसिटी भी होगा, डिस्प्लेसमेंट भी होगा, गति करते हुए कण का किसी क्षण यानी एनी इंस्टेंट लिखा है ना, किसी क्षण टी पर विस्थापन क्या होता है, जब जानती है वो कही है कि हम जानते हैं, क्या जानती हो, विस्थापन क्या होगा जी, सभी जानते हो, बताओ कोई, वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, फिटास कि नहीं फिटास, बट वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी कितना होगा, अतः समान मानेंगे बराबर
आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी होगा इन द टर्म ऑफ टी। आप टर्म ऑफ वाई में मत जाइए, हमने दो एक्सेल वेलोसिटी निकाला था, एक इन द टर्म ऑफ टी और एगो निकाले थे इन द टर्म ऑफ वाई निकाले थे। तो एगो के अंतिम सीधे कहिए कि अंतिम वाला था हाइये लिखल रहा सही नहीं, वो वाई के टर्म में था डिस्प्लेसमेंट के टर्म में, ठीक है। एंड लिखो एंड है ना, और इसका मतलब क्या हुआ, और वेग ये होता है बट कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू व्हाट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, फाई के जगह क्या दे देंगे पाई बाई टू। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, फेज में जब डिफरेंस होगा तो क्या होगा, मैक्सिमम डिफरेंस कितना होगा पाई यानी 90 डिग्री। ये कहां आएगा, यहां पे तो 90 डिग्री होगा, तो 90 डिग्री को हम क्या लिखेंगे पाई बाई टू अगर लिखते हैं तो ये 180 बाई टू हो गया यानी 90 हो गया, तो फिजिक्स की भाषा में पाई बाई होएगा या नहीं होएगा। तो हम इसको लिख दें भी बराबर क्या हो जाएगा, इसको बैठा के देखो आर ओमेगा, आर ओमेगा और उसके बाद कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी को लिख देंगे हम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, होएगा या नहीं होएगा, हो सकता है। जब ये हो सकता है तो ये दोनों में रिलेशन हो गया कि नहीं, देखो फेज में हुआ, वेलोसिटी में हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो अब बच गया क्या, ए एक्सेलरेशन बच गया, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई नहीं दिए थे। अब देख तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर और क्या वाई कितना है ए साइन ओमेगा टी। और एक दूसरा चीज और क्या निकल जाएगा, इसको अगर हम माइनस को हटा देंगे तो क्या निकल जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए कॉस ओमेगा टी और प्लस पाई बाई हो जाएगा नहीं हो जाएगा, क्योंकि माइनस साइन ओमेगा टी बराबर कितना होगा कॉस होगा ना, ये तो पढ़े हैं आप माइनस, तो ये क्या निकलेगा दो गो में एगो ये हो गया और एगो ये फेज के साथ, ये फेज डिफरेंस के साथ और ये एज के साथ। ओमेगा क्या हुआ, ये क्या हुआ, मान लो यहां है तो ओमेगा टी और यहां 90 पर आ गया, तो दोनों में फेज में यह फेज क्या है, यह फेज है किसके लिए, इस डिस्प्लेसमेंट पी के लिए बताए थे, और यहां से यहां तक आ गया तो दोनों के फेज में डिफरेंस आ गया, तो यह फेज डिफरेंस के साथ या फेज के साथ। देखो तो तीनों में रिलेशन हो गया कि नहीं, वेलोसिटी एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट हो गया, संबंध बन गए। बड़की माई छोटकी माई मझली माई बड़की छोटकी माई हो गए। चल इससे क्या मतलब हुआ कि फेज डिफरेंस है ना, डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज पाई बाई टू, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच फेज का डिफरेंस कितना है पाई बाई टू, यानी वेग और अर्थात लिख देना अर्थात वेग और त्वरण के बीच कालांतर कितना पाई बाई टू होता है।